अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। वरहमतुल्लाह वबरकातुह। बोल रहा हूँ जी, इस्लाम में सिंगिंग डांसिंग क्यों हराम है? जी शेख, इस्लाम में सिंगिंग और डांसिंग क्यों हराम है? इस्लाम में सिंगिंग डांसिंग क्यों हराम है? सबसे पहली बात तो ये कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई चीज हराम करार दिया है तो इस्लाम का माना यह होता है कि हम उस पर सरे तस्लीम खम कर दें, हमारे समझ में आए या ना आए। क्योंकि अगर आपका अमल इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब मुझे समझ में आ जाएगा तभी मैं अमल करूंगा, तो फिर आप पांचों वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। कोई भी आके आपसे पूछेगा कि जोहर की नमाज 4 ही रकात क्यों है, मगरिब की नमाज 3 ही रकात क्यों है और ऐशा की फिर 4 क्यों है, तो आप क्या सबब बता पाएंगे? आप यही कहेंगे कि वो मेरा रब है, उसने हमें कहा है ऐसा करो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लिहाजा इस्लाम के तमाम अहकाम की सबसे पहली हिकमत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ताबुद, उसकी बंदगी बजा लाना और उसके सामने सरे तस्लीम खम कर देना, ये पहली हिकमत है। सिंगिंग और डांसिंग का जो मसला आपने सवाल किया, उसमें भी पहली हिकमत यही है। अल्लाह ताला ने कहा रुक जाओ, हम रुक जाएंगे, खलास, क्योंकि यही इस्लाम है। और उसकी जो हिकमत है वो ये है कि सिंगिंग और डांसिंग ये इंसान को बेहयाई की तरफ, लहोलैब की तरफ ले जाने वाली चीज है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देने वाली चीज है। आप खुद गौर करें, दुनिया के अंदर किसी भी नौइयत के सिंगिंग डांसिंग पर आप खुद गौर कर लें थोड़ी देर के लिए गैर जानिबदार होकर के, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि क्या सिंगिंग और डांसिंग बेहयाई की तरफ ले जाने वाली चीजें नहीं है, क्या अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल करने वाली चीजें नहीं है। भाई उसमें जितनी भी, जैसे कोई औरत डांस कर रही है, आप बताइए क्या ये बेहयाई नहीं है? कोई औरत जो सुरेली आवाज में गा रही है, क्या आपके शहवत को भड़का नहीं रही है? क्या उसमें औरतों की महासिन, उनकी खूबियां और उनके सारे जो है औसाफ बयान नहीं किए जाते हैं? क्या ये सारी चीजें नहीं होती हैं? तो अगर कोई भी साहिब अक्ल आदमी गौर करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये हराम क्यों है। क्योंकि मुकम्मल तौर से वो इंसान को बुराई की दावत देती है। और अगर मान लीजिए कोई आपके सामने आकर ये कहे कि हम जो है कोई पाकीजा म्यूजिक और पाकीजा जो है सिंगिंग सुनना चाहते हैं, तो आप उससे कहिए कि हमारे रब ने हराम करार दिया है, वो सब हराम है, उसमें कोई पाकीजा और गैर पाकीजा नहीं होता है। जी बिल्कुल।